हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सोशल साइंस का सीरीज़ कवर करा रही हूँ, तो ये आपका सीटेट 2021 में सोशल साइंस का जो क्वेश्चन आया था उसको मैं बताऊंगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो भीमबेटका के पुरातत्व भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो भीमबेटका जो था वो ये एक पुरातत्व स्थल है भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। तो ये भीमबेटका पुरातत्व भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो ये हमारा MP में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गुप्त वंशों के राजाओं को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। तो सबसे पहले हो जाएगा श्रीगुप्त, सबसे पहले जो है वो हो जाएगा श्रीगुप्त, उसके बाद हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त, उसके बाद हो जाएगा समुद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद हो जाएगा स्कंदगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी कथन तथा कारण को पढ़े तथा सही विकल्प को चुने। पहला, अलबरूनी ने किताब अल हिंद लिखा। दूसरा, गजनी का सुल्तान महमूद ने अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बात जानना चाहता था। तो अलबरूनी ने किताब अल हिंद लिखा करेक्ट बात है। गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बात जानना चाहता था, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन 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 दोनों सही है, ये ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिस्तक का अर्थ क्या है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो 40 खंभों वाला सभा भवन, मेहराबदार प्रवेश द्वार, 8 कमरों से घिरा हुआ केंद्रीय सभा भवन, आयताकार अहाते। तो पिस्तक का अर्थ क्या होता है बताइए, पिस्तक क्या होता है। तो पिस्तक जो होता है हमारा वो होता है मेहराबदार प्रवेश द्वार होता है। तो मेहराबदार प्रवेश द्वार होता है। 1192 में भारत में तराइन का जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो तुर्की सत्ता के स्थापना के साथ वास्तुकला में भी चेंज आया था, जिसमें भवनों को मेहराबदार प्रवेश द्वार दिया गया और प्रवेश द्वार जो हमारा गेट होता है, एंट्री का गेट होता है, उसको मेहराबदार प्रवेश द्वार दिया गया और उसका नाम पिस्तक रखा गया। पिस्तक, पिस्ता नहीं समझ लीजिएगा, पिस्तक। ऑप्शन 2 हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को हाल के काल के शुरू के अवरोही क्रम में लगाइए। तो अवरोही मतलब क्या होता है, उल्टे क्रम में लगाना है। ऋग्वेद की रचना, वर्ण व्यवस्था को उदय, मौर्य काल साम्राज्य का उत्थान, बौद्ध धर्म का उदय। तो सबसे पीछे से आगे की तरफ जाना है, तो कैसे जाएंगे, तो सबसे पहले मौर्य साम्राज्य का उत्थान, उसके बाद क्या आ जाएगा, बौद्ध धर्म का उदय, उसके बाद हो जाएगा वर्ण व्यवस्था का उदय, उसके बाद ऋग्वेद की रचना। उल्टा से जाना था इसीलिए ऐसे हुआ, और सीधा से जाते तो ऐसे उल्टा होता। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन ए तथा कथन बी को पढ़े तथा सही विकल्प को चुने। करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजार, जिसमें जंगल को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हल के फाल शामिल हैं, वे बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के उपयोगी थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व अनेक शहर विकसित हुए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए और बी दोनों सही हैं तथा इनका संबंध है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल शासन में भूमि के प्रकार का सही विकल्प के साथ मिलान करें। तो पहला है बेलम वगई, बेलम
वन भगई जो है वो क्या था, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को बेलम बेलम बेमल बेवलन बगई कहा जाता था। ब्राह्मणों को जो भूमि उपहार में दिया जाता था उसको कहा जाता था ब्रह्मदेव, किसे कहा जाता था? अच्छा अच्छा ये गैर ब्राह्मणों को दिया जाने वाला था, सॉरी ये जो था गैर ब्राह्मणों को दिया जाने वाला था। ये बेलम बगई जो था गैर ब्राह्मण जो ब्राह्मण नहीं थे उनको दान में दिया जाता था, और ब्रह्मदेव जो थे वो ब्राह्मणों को भार में दी गई भूमि थी। उसके बाद साला भोग क्या होता था, तो विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी वो साला भोग होता था, और देवदान क्या होता था ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन टू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1765 के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट के कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी। 1770 में पहले अकाल से बंगाल के 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का इस्तेमाल निर्यात के लिए चीज़ों को खरीदने में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन वन के साथ जाएंगे, ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के में किसका योगदान था? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन वन। राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने सती प्रथा का पर रोक लगाया, और सबसे पहले जो है अपने बेटे का विवाह एक सती प्रथा पर जो थे उन्होंने ब्रह्म समाज की एक स्थापना करते हैं और उसके द्वारा लोगों को जागरूक करते हैं कि सती प्रथा जो है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो है 1829 में सती प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। राजा राम मोहन राय ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन तथा कारण को पढ़े तथा सही विकल्प को चुने। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए तीन आंदोलन चलाएं। दूसरा कारण है अंबेडकर का मुख्य लक्षण सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन थ्री के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंडुआ पंथ जो है वो क्या है, मंडुआ पंथ जो है हरीस आंदोलन का नेता है। ये आंदोलन हुआ मंडुआ पंथ, तो ये जो है हरिदास ठाकुर से जुड़ा हुआ, ऑप्शन थ्री। और सत्यशोधक समाज जो है वो ज्योतिबा फुले से जुड़ा हुआ है, और आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। तो कांग्रेस की स्थापना करते हैं, तो ये जो है हमारा राष्ट्रवाद के उदय के बारे में कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो बताइए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, हाँ हुई थी, और अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि के थे, नहीं अधिकांश नेता ऐसे नहीं थे। तो ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज ने सेना में भारतीय सिपाही का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाही संख्या बढ़ाने का फैसला किया। अंग्रेज ने भारतीय सिपाहियों का अनुपात जो है वो घटाने का
घटाने का और किया तो सही बात है, वो इसका संख्या घटाने का फैसला किया। मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही में कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोग विरोधी तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों की ही भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की नीति विरोधी थी। दूसरा है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1965 में सुझाव दिए कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं के लिए अलग अलग प्रांत का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमाओं को पुनः तय किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सही व्याख्या करते हैं और ये जो है सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में कौन सा सही है? हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारे की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि वे बहुत दूर हैं। अर्सो मेजर नक्षत्र मंडल रात तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता है। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न स्थिति में दिखता है। तो ये जो पिंड के बारे में दिया गया आसमान में खगोलीय पिंड के बारे में दिया हुआ है हमारा, हम रात में असंख्य तारे टिमटिमाते रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारे की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर है। सही बात है। अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह जिसे सप्तऋषि कहा जाता है। सही बात है। और फिर से चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में भिन्न अवस्थियों में दिखाया जाता है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब के विषय में कौन से कथन सही है? ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल है। दूसरा, ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकता है। ग्लोब पर महाद्वीप और महासागर के सही आकार में दिखाए जाते हैं यह स्थिति और न घूमने वाला है। तो ग्लोब के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल का प्रतिरूप है। ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकता है। ग्लोब पर देश महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में देखे जाते हैं। ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विशेषताओं से पृथ्वी को तापीय कटिबंधीय की पहचान कीजिए। पहला, दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुवीय उत्तर वृत्त तथा दक्षिण में गोलार्ध में मकर रेखा तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र हैं। पहला शीत कटिबंधीय, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय, तीसरा उष्ण कटिबंधीय, चौथा उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन समय 1 बजे अपराह्न है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 6:30 बजे अपराह्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के वन में नरम काठ वाले वृक्ष जैसे चीर, देवदार आदि उगते हैं पैदा होते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, अंकुशधारी वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये जो है हमारा ऑप्शन 3 शंकुधारी वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करता है। तो ऊंचाई की स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता जो है क्या एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। और हाँ, ऊंचाई स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करता है, ये भी है। तो ऑप्शन टू जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासागरीय स्तर पर जल की गति के बारे में निम्नलिखित का सुमेलन का सही विकल्प का चयन कीजिए। ठंडी महासागरीय धारा, तो ठंडी महासागरीय धारा ठंडी महासागरीय धारा का क्या हो जाएगा? ठंडी महासागरीय धारा गति के बारे में दिया हुआ, धूब्र के उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रवाहित होता है। उसके बाद ज्वारभट्ट जो है, ज्वारभट्ट क्या होगा, वो दिन में दो बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना। तरंग क्या है? तरंग जो है महासागरीय स्तर पर एकांतर नियम से जल का उठना एवं गिरना, ये तरंग है। और ये क्या है अगला, गर्भ महासागरीय धारा, तो ये जो है हमारा त्रिभूमंडलीय रेखा के निकट उत्पादन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसून पवन डैश है, ग्रहीण पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन, स्थानीय पवन। तो मानसून पवन कौन सा है? मौसमी पवन है। मानसून पवन जो है एक मौसमी पवन का एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा मिलान करने वाला है वायुमंडल की परत के बारे में, कौन सा सही है? तो वही मंडल जो है हमारा, वायुमंडल है सबसे ऊपर की परत होगा। वायुमंडल क्या होता है हमारा, सबसे ऊपर की परत। तो इसमें देखिए दो पहला ए में, इसमें दो पहले हैं तो इसमें है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल क्या है, सबसे निचला परत है। उसके बाद समताप मंडल है, समताप मंडल इसकी, इसमें ओजोन गैस है। और बाह्य मंडल है, रेडियो तरंग के प्रसार में सहायक है। ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषय एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं का सुमेलन कीजिए तथा विकल्प का चयन कीजिए। रेंडिज पर्वत, तो ये भी आपका मैचिंग करने वाला है। एंडिज पर्वत जो है वो लामा। एंडिज पर्वत कहाँ है? लामा में। और फिर तिब्बत कहाँ है? याक, याक, याक। क्षेत्र एवं परिवहन के लिए उपयोगी है तिब्बत में, किस याक, याक सुने ही होंगे आप, याक। और भारतीय मरुस्थल तो ये है ऊँट एवं बैल। मरुस्थल में भारतीय पहाड़, खच्चर और गधा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन वन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो होगा, दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम नागरिक एवं शिक्षकों के तौर पर पौधे एवं जंतुओं को संरक्षित करने में कैसे सहायता कर सकते हैं? निम्नलिखित कथन का चयन कीजिए। पहला, शिक्षार्थियों एवं समुदाय सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण। दूसरा, उद्योग एवं रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना। प्रकृति कैंपों पर शिक्षार्थियों की यात्रा का आयोजन करना। चौथा, राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटक स्थानों की तरह विकसित किया जाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा वो होगा हमारा
पहला सही है, शिक्षार्थियों एवं समुदाय सदस्यों का वृक्षारोपण, उद्यान एवं रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना। उसके बाद जो होगा हमारा, ये क्या कह रहा है, और राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटन स्थलों की तरह विकसित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन जो है हमारा 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को पढ़िए तथा मिट्टी के संरक्षण की सही पद्धति का चयन कीजिए। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, मलच बनाना, समलोचनीय रेखीय रोधिकाएँ, रक्षक मेखलाएँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन जो है मलच बनाना और समलोच्य रेखीय रोधिकाएँ और रेखिक मेखलाएँ। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यथेष्ट बहु सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर प्रेरित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ए सही है लेकिन बी जो है गलत है। विविधता अनिवार्य रूप से समानता की ओर प्रेरित करती है, ये गलत है। और भारत में सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है, ये बात सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित का मैचिंग करना है, मिलान करना है। लोगों को एक छवि में बांधना, तो रूढ़िवादी धारणा है। एक छवि में कैसे बांधेंगे, सबका अलग अलग सोच विचार है। अगला है हमारा, दूसरों को नकारात्मक रूप से देखना, पूर्वाग्रह है। और तीसरा है किसी के साथ दूसरों की अपेक्षा समुचित रूप से व्यवहार करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा रूढ़िवादी धारणा। ऑप्शन किसी के साथ दूसरों की अपेक्षा समुचित रूप से व्यवहार करना, तो भेदभाव, और शुद्धता और अशुद्धता को मानना, तो ये छुआछूत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांव में जमीन भूमि को मापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायित्व किसका होता है? थानेदार, खंड विकास अधिकारी, पटवारी, ग्रामीण प्रशासक अधिकारी, जिला अधिकारी। तो नापने और जमीन के रखने का अधिकार जो होता है वो पटवारी के पास होता है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिला परिषद मिलान करिए और सही विकल्प का चयन करना है। तो जिला परिषद जो हो जाएगा वो होगा जिलाधीश। ग्राम सभा गांव में होता है, गांव सभा। वार्ड समिति नगर पालिकाएँ, और निगम महापौर। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनियमित मजदूर श्रमिक शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में कौन से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? पहला, निर्माण स्थल पर काम करने वाली मिस्त्री। दूसरा, घरेलू सहायिका। तीसरा, राष्ट्रीय बैंक में बैंक प्रबंधक। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, निर्माण स्थल पर काम करने वाले मिस्त्री और घरेलू सहायिका, ये दोनों जो है हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेतिहार मजदूर ऋतु निष्ठिक श्रमिक होते हैं। खेत में कई तरह के काम होते हैं, जैसे खेती करना, रुपाई, बुआई, निराई और फसल की कटाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त है और सरकार को समाज में उसकी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। दूसरा, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालय में पृथक अलग करना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा सही है।
विकलांगता अधिनियम 1995 के तहत विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है और सरकार को समाज में उसकी पूरी भागीदारी संभव करनी चाहिए। और ये अलग विद्यालय के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, समावेशी शिक्षा के बारे में चर्चा की गई है। अगला देखते हैं, हिंदू अधिकार अधिनियम 2005 ने संभव किया है माता पिता की संपत्ति में बेटियों का बराबरी का हिस्सा, सही है। पुरुष को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार, ऐसा नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन थ्री इसका सही हो जाएगा, ये सही है लेकिन बी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विषय राजसूची के अंतर्गत आएगा, श्रीलंका के साथ व्यापार संबंध को बनाए रखने का निर्णय, दूसरा नए 100 रुपये का नोट जारी करना, तीसरा प्रारंभिक स्कूल विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का लागू करने का निर्णय, तीसरा किसानों को बिजली विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक स्कूल विद्यालयों को मध्याह्न भोजन लागू करने का निर्णय और किसान को बिजली विद्युत उपलब्ध कराने का निर्णय, ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार मान कर दिया जाए तो कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन करता है, स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार, चिकित्सा उपचार का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर हो जाएगा करेक्ट, जीवन का अधिकार। अगर एक व्यक्ति को अस्पताल में उपचार मना कर दिया जाता है तो ये उल्लंघन है जीवन के अधिकार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मामले मुद्दे में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एवं मौलिक अधिकार है, इसमें प्रदूषक मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी शामिल है, MC मेहता बनाम भारतीय संघ, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य समिति, मेहता बनाम भारतीय संघ, यमुना फंड प्लेन पर आर्ट ऑफ लिविंग मुकदमा मामला। तो मौलिक अधिकार, प्रदूषण मुक्त वायु और पानी के अधिकार भी शामिल हैं। तो किस मुद्दे में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जीवन का अधिकार अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, इसमें प्रदूषित वायु मुक्त और पानी का अधिकार भी शामिल है। तो प्रदूषण मुक्त और पानी का अधिकार भी शामिल है, तो ये जो है हमारा वो है ऑप्शन टू, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज, ऑप्शन टू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन में शिक्षक को निम्नलिखित उदाहरण देना चाहिए, छुआछूत, अस्पृश्यता का उन्मूलन, संविधान का अनुच्छेद 17, आरक्षण नीति, न्यायिक समीक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन थ्री, छुआछूत उन्मूलन और आरक्षण नीति, ऑप्शन टू हमारा, ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए, लोगों के साथ भेदभाव इसलिए होता क्योंकि वे गरीब और निर्धन हैं, बताइए क्या ये सही बात है। सही बात है, गरीब निर्धन एवं संसाधन का अभाव भारत में असमानता का मुख्य कारण है, तो ये बात भी सही है, ऑप्शन वन के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यचर्या में जेंडर परिपक्ष को शामिल करना महिलाओं के संदर्भ में प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी मात्र से है, पाठ्यचर्या में जेंडर परिपक्ष को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिपक्ष को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन टू सही हो जाएगा, पाठ्यचर्या में जेंडर परिपक्ष को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिपक्ष को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ऑप्शन टू हमारा सही हो जाएगा। चुनाव में मतदान के महत्व एवं चर्चा की शुरुआती हेतु निम्नलिखित में कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा, पहला देश जिसे चुनाव में सार्वभौमिक मताधिकार की प्रणाली है, दूसरा भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य, तीसरा सामाजिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना, तीसरा नाबालिग मतदान क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कौन सा विषय प्रासंगिक हो सकता है, तो ऑप्शन
3 सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी को एक उद्योग स्थापित करने के लिए अव्यवस्थित कारणों की गहराई से छानबीन करवाना चाहती है, निम्नलिखित में कौन सी विधि अपनाई जाएगी? निरूपण, परियोजना, अफ्रीका भ्रमण, कुछ अध्ययन वृत्त पर चर्चा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, दूसरा ये सही हो जाएगा, परियोजना, फैक्ट्री का भ्रमण और कुछ केस स्टडी पर चर्चा। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस सौ 1957 और 1977 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने के लिए कहा। सभी समाचार पत्रों का कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार ने अनुमति लेने के लिए कहा था। तो 1975 हाँ, तो ये जो हुआ था वो सामाजिक विज्ञापन, अभिवेचन, भेदभाव, लोकतांत्रिक नुकसान या उदाहरण निम्नलिखित के सिद्धांत को समझने के लिए उपयोग है। तो ये है सेंसरशिप को समझने के लिए उपयोगिक है। अभिवेचन सेंसरशिप यानी कि अभिवेचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन के अनुभव पर रोल प्ले निम्नलिखित में किसे समझने में सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सहायक हो सकता है? ए, उन तरीकों एवं साधनों को जिनके द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया, समाज के हाशिए एवं समूह के साथ सहानुभूति, उपनिवेशिक समय में अस्पृश्यता का चलन कैसा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, समाज की समूह के साथ सहानुभूति, उपनिवेशी समझ में अस्पृश्यता का चलन कैसा था। ऑप्शन 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका थीम को पूरा करने हेतु प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका योजना बना सकती है? शहरी, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा पर बाद विवाद करवाना, साफ पानी पीने की उपलब्धता पर चर्चा कराना, सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना कराना, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधित केरल की केस स्टडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये चारों इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों में चिंतन प्रक्रिया एवं समालोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देने हेतु कौन सी युक्तियां सबसे उपयुक्त है? मुद्दों पर चर्चा, दृश्य श्रवण सामग्री, शिक्षक का मत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुद्दों पर चर्चा और दृश्य श्रवण सामग्री, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मौसम की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ योजना बना रही है, वह अपने द्वारा पढ़ाए गए प्रसंग के साथ जोड़ना चाहती है, इससे पहले निम्नलिखित संप्रदायों का कौन सा संप्रदाय पढ़ाएगा? लिबर्स, परिक्रमण, घूर्णन, प्रदीपवृत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिक्रमण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में कौन सा समालोचनात्मक चिंतन क्षमता को बढ़ावा दे सकता है? दिए गए तर्क हेतु साक्ष्य को स्रोत पूछना, विद्यार्थियों को अपने शब्दों में विवरण देने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों केवल एक ही तरीके की व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षक द्वारा कही गई बातों को ज्यों के त्यों वर्णित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दिए गए तर्क हेतु साक्ष्य का पूछना, विद्यार्थियों अपने शब्दों में विवरण के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है? क्विज का आयोजन करना जिसमें सभी प्रश्नों का
उत्तर शिक्षक द्वारा लिखाए गए नोट्स में है। विद्यार्थियों के नियमित तौर पर पाठ पुस्तक की विषय वस्तु को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने के लिए समान ज्ञान की विषय उपलब्ध कराना, बच्चों की समाचार पढ़ने तथा विषय वस्तु पर सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो कौन सा बढ़ावा देता है? तो समलोचनात्मक चिंतन मतलब क्या हुआ, जब वो बच्चा एक बात को तरह तरह से वो सोच सकेगा और निर्णय ले पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी, कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने के लिए समान ज्ञान उपलब्ध कराना, बच्चों के समाचार पढ़ने और विषय वस्तु सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी द्वारा कक्षा में पूछे गए प्रश्न हमारे शहर इतने गंदे क्यों हैं को संबोधित करने के लिए शिक्षिका इस पर विशेष दृष्टिकोण उपलब्ध कराने का निर्णय लेती है, यह कौन सी युक्ति होगी? स्थानीय सफाई कर्मचारी को उनके कार्य अनुभव और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साझा करने हेतु कक्षा में आमंत्रित करना, ठोस अवशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन पर एक वृत्त चित्र दिखाना, कम से कम एक सप्ताह तक हर रोज विद्यार्थियों को उनकी कक्षा को साफ कराने के लिए कहना, स्वास्थ्य के महत्व पर भाषण का आयोजन करना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र पिछले राज्य सरकार द्वारा लागू की गई स्वास्थ्य नीति को समझे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का लेख इस विषय पर विस्तृत जानकारी देता है, लेकिन उन पर हाल में भ्रष्टाचार आरोप लगे हैं, इसलिए शिक्षक असमंजस में है कि उन्हें लेख का उपयोग करना चाहिए या नहीं। तो ये जो है सामाजिक विज्ञान, एक शिक्षक चाहते हैं कि छात्र पिछली राज्य सरकार द्वारा लागू की गई स्वास्थ्य नीति को समझे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का लेख इस विषय से विस्तृत जानकारी देता है, लेकिन उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तो शिक्षक को डाउट है कि ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में कौन सा जिम्मेदारी कार्रवाई होगा? तो समझाइए कि हम इस लेख में लेखन पर ध्यान न देकर केवल उन्हें दी गई विषय सामग्री पर ध्यान देना चाहिए जो इस नीति से संबंधित हो। लेख का नाम लिए बगैर इस लेख में उद्धरण का प्रयोग कक्षा में जिससे किसी भी प्रकार की विवाद से बचते हुए इस लेख का लाभ उठाया जा सके। इसके बदले कम लाभदायक स्रोत सामग्री के रूप में कक्षा में प्रयोग करें। विवाद के बाद में चर्चा करने की केवल समय बर्बाद होगा। समझाइए कि सरकारी पदों पर लोग बर्बादी का पात्र बन सकते हैं और हम लोगों का चयन उनके शैक्षिक महत्व और आधार पर चुनना चाहिए, ना कि असंबंधित प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन फोर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमान राज अपने प्रारंभिक विद्यालय विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता को समझते हैं, यह आपको विश्लेषण कौशल विकसित करने में सहायक होगा। एक अंतर संबंधी विश्व समायोजन के लिए विभिन्न सांस्कृतिक का आदर कद करने की आवश्यकता है। तुम्हें समसामयिक वास्तविकता से लैस होना होगा। श्रीमान राज ने अपनी प्रारंभिक विद्यालय विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता को समझते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हैं निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्रोत के प्रयोग की ओर संकेत देता है? समाचार पत्रिका पढ़ना, एक फीचर फिल्म देखना, एक वृत्त चित्र देखना, एक ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण एवं परीक्षण करना। तो किसकी ओर संकेत करता है? तो ये जो होगा हमारा करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन फोर, एक ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण एवं परीक्षण करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को रेगिस्तान में लोगों का जीवन विषय पर परियोजना कार्य कराने के लिए कहती है। इस परियोजना के लिए निम्न को कम लगाएं, कक्षा में परिणाम का प्रदर्शन करना, आंकड़े एकत्रित करने की योजना बनाना, जलवायु जीवन शैली खान पान आदि आदतें इत्यादि पर आंकड़े स्रोत को ढूंढना, आंकड़े एकत्रित करना, उनका प्रदर्शन करना, उस रेगिस्तान के बारे में निर्णय लेना जिस पर परियोजना बनाई जाती है, परियोजना कार्य हेतु उद्देश्य का निर्माण। तो इसके लिए बताइए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए जो होगा
ये ऑप्शन पहले क्या करेगी, उस रेगिस्तान के बारे में निर्णय लेना जिस पर परियोजना बनाना है, उसके बाद क्या करेगी, परियोजना कार्य हेतु उद्देश्य का निर्माण करेगी, उसके बाद आंकड़े को एकत्रित करेगी, उसके बाद क्या करेगी, जलवायु जीवन शैली खान पान आदि इत्यादि आंकड़ों को ढूंढना, आंकड़े एकत्रित करना और आदर्श प्रस्तुत करना, ये करेगी। उसके बाद क्या करेगी, कक्षा में परिणामों का प्रदर्शन प्रोजेक्ट करना, ऑप्शन 5। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति करने हेतु विकास किए गए आंकलन की विधि की प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए, अधिगम का आंकलन, अधिगम की तरह आंकलन, अधिगम के लिए आंकलन, रचनात्मक आंकलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अधिगम का आंकलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान करें तथा सही विकल्प चुने, अधिगम की चुनौती, उसके बाद अधिगम की चुनौती, तो अधिगम की चुनौती क्या है, निदानात्मक आकलन। अधिगम में जो चुनौती आएगी, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रहा है तो हम पता लगाएंगे कि कहाँ पर दिक्कत हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रवेश व्यवहार, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थापन प्लेसमेंट आकलन। और अगला क्वेश्चन है हमारा प्रमाणीकरण, तो प्रमाणीकरण जो है हमारा वो हो जाएगा युगात्मक आंकलन। उसके बाद है अधिगम प्रकृति रचनात्मक आंकलन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन टू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक ज्ञान का आंकलन करते हैं, राज तथा सरकार के बीच अंतर पर चर्चा कीजिए, मौलिक अधिकार क्या है, भारत गणतंत्र कब बना, क्या होगा यदि चुने गए प्रतिनिधिक शक्ति प्रतिनिधित्व न हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड होल्ड करिए, मैडम जो या मैडम यह सुनिश्चित करना चाहती है कि विद्यार्थियों ने सरकार के विभिन्न प्रकार के संप्रदाय को समझ लिया है, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न उनकी समझ के बारे में शिक्षक निर्णय को समझाएगा, तो इसका पहला है, इसको क्या लगता है कि लोगों को निर्णय लेने में कैसी भागीदार बनाया जाए जिसे निर्णय प्रभावित करेंगे, दूसरा है प्रजातंत्र की राजतंत्र की प्रजातंत्र से तुलना करी, प्रजातंत्र पर आपके क्या विचार है, प्रजातंत्र में राजा के पास सारी शक्तियाँ आती हैं, सही या गलत, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आंकलन कार्य में छात्र को चित्र के माध्यम से जल चक्र समझाने के लिए कहा गया है, इस कार्य के माध्यम से छात्र के ज्ञान या समझ में निम्नलिखित में कौन से पहलू का आकलन नहीं किया जा सकता है,
जल चक्र के चार प्रमुख चरण हैं, वर्षा और संग्रहण के बीच अंतर, पानी किस प्रकार लगातार अपना रूप बदलता है, मीठा पानी के स्रोत। तो जल चक्र को समझाने के लिए कहा गया तो किस प्रकार आकलन नहीं किया जा सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन फोर, मीठे पानी के स्रोत। ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपका SST का 3 जनवरी 2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।